हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ जंक्शन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ रुपए की अवैध बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू व गुटखा, भांग की गोलियां बरामद, 2 मुजरिमानों को किया गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस अधीक्षक पाली राहुल कोटोगी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल के निर्देशानुसार एवं सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार के निकटतम सुपरविजन में वृत्त सोजत पुलिस द्वारा ड्रग माफिया व मादक पदार्थ तस्करों के विरोध तथा धूम्रपान सामग्री का बेचान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यवाही की इस कड़ी में वन्य SHO गोपाल विशोई में जाप्ता द्वारा थाना मारवाड़ जंक्शन द्वारा कस्बा मारवाड़ जंक्शन में मुखबीर मामूर कर कस्बा में मारवाड़ जंक्शन में भवरलाल प्रजापत, महेश कुमार पुत्र श्री लाल चंद्र सिंधी व महेश कुमार सिंधी की दुकान पर दबिश की गई, तो तीनों जगहों पर भारी मात्रा में अवैध बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू व गुटखा, भांग की गोलियां तथा स्मैक सेवन में प्रयोग की जाने वाली पत्री मेड इन फ्रांस को जब्त किया गया। अवैध बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू व गुटखा, भांग की गोली तथा स्मैक सेवन के प्रयोग की जाने वाली पत्रियों की बाजार कीमत करीब 30 लाख है, जिसको मुलजिमानों द्वारा लॉकडाउन के कारण तय रेट से अधिक करीब 1 करोड़ रुपए में बेचना था। लॉकडाउन के दौरान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मिराज आदि की कीमतें दुगनी तिगनी होने के कारण व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सोजत सर्कल में लॉकडाउन के दौरान 30वीं कार्रवाई है तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। गठित टीम गोपाल विशोई, थाना अधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, हेड कांस्टेबल माधुराम, श्रीमती आशा रानी, छोटी लाल कांस्टेबल रामकेश, सुनील कुंच बिहारी, मनमोहन, मनोज कुमार, शैतान सिंह, चैन सिंह पुलिस कर्मियों का सहयोग रहा। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।